हेलो एवरी वन वेलकम टू अभी पीडिया पावर्ड बाई अभिमन्यु आई एस एंड इन टू क्लास आई विल डिस्कस अर्थमेटिक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ़ यू ऑल यू शुड नो कि वट इज़ अर्थमैटिक रीजनिंग दैट मीन्स वट कि कुछ लॉजिकल क्वेश्चन जिसके अंदर अर्थमैटिक कैलकुलेशंस यूज़ होती है और अगर आपने पैटर्न चेक किया है एग्ज़ाम का तो हर बार एग्जाम के अंदर यू कैन से एट टू टेन क्वेश्चन यस एट टू टेन क्वेश्चन अर्थमैटिक रीजनिंग के आते हैं अब आप, आप इस क्वेश्चन को अर्थमेटिक रीजनिंग की कैटेगरी में भी डाल सकते हो एंड द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन से दिस आर सिंपल लॉजिकल वर्ड प्रॉब्लम्स ओके वर्ड प्रॉब्लम ऑफ सिंप्लीफिकेशन ओके सो हम इसको सिंप्लीफिकेशन भी कंसिडर कर सकते हैं हम इसको कह सकते हैं अर्थमैटिक रीजनिंग बट आजकल इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में आ रहे हैं और इसमें हम कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं डिसाइड कर सकते कि ये वाली टाइप है ये एग्जाम में आएगी या फिर ये वाली टाइप है इसके अंदर आपको मैक्सिमम लॉजिकल क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी है सो दैट कि आपका माइंड लॉजिकली वर्क करना शुरू कर जाए क्योंकि जब हम लॉजिकल क्वेश्चन पर वर्क करते हैं तो ऑटोमेटिकली होता क्या है कि माइंड उसी साइड वर्क करने लग जाता है ना तो प्रैक्टिस इज मस्ट तो सभी ने जरूर करनी है तो अभी स्टार्ट कर रही हूं फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे देखिए क्या है yes, first question है 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 पे पे क्या देखिए कह रहा फॉलोइंग वे ऑन द फिंगर ऑफ हर लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड सी स्टार्टेड बाय कॉलिंग थंब एज वन ये लेफ्ट हैंड कह रही थंब एज वन इंडेक्स फिगर टू मिडल फिगर थ्री रिंग फिगर फोर लिटिल फिगर फाइव अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि यहाँ से उसने थम से स्टार्ट किया दिस इज वन टू थ्री फोर फाइव अब जब फाइव पे आ गया तो क्या कह रहा है फिर सी स्टार्ट काउंटेड बैक ठीक है एंड देन रिवर्स डायरेक्शन कॉलिंग द रिंग फिगर एज सिक्स मिडल फिगर सेवन एंड सोन पॉइंट इज क्लियर कैसे काउंट करें लेफ्ट हैंड के अंदर से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन दैट मीन्स की स्टार्टिंग पे थंब पे हमारे पास क्या मिला हमें वन मिला ठीक है फिर कह रहा है कि जब नाइन पे हम आ रहे हैं तो फिर हमें क्या मिल रहा है अगेन थंब मिल रहे फिर नाइन के बाद टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन सेवनटीन पे भी आपको थंब मिल रहा है 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 पे भी थम मिल रहा है तो यहाँ से क्या मिला हमें कि हर बार जो थम है थम कब जा रहा है एट के बाद मिल रहा है मुझे 8 है ना एट के बाद मिल रहा है पहले तो ये देखो क्वेश्चन क्लियर है अब उसके बाद आपसे क्या पूछा गया है

दैट मीन्स की अगर मैं एन की वैल्यू लेती हूँ जीरो वैल्यू फॉर एन इज इक्वल टू वन इट विल बी नाइन टू देन दिस थ्री इज इक्वल टू दिस तो इसी तरह से वो काउंट कर रहे हैं डन अब अगर मान लो सिंपल सा हम लेते हैं कि मैं कह रही हूँ कि इसको मैं एन की वैल्यू को ले लेती हूँ क्या यस yes. uh, कुछ इस तरह का नंबर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है नाइनटीन नाइनटी फाइव दैट मीन्स टू थाउजेंड के नियर बाई अगर मैं लूँ तो हमें पता है कि टू फिफ्टी को अगर मैं एट से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना मिलेगा मुझे टू थाउजेंड मिलेगा देखो अगर मैं एन की वैल्यू लेती हूँ टू फिफ्टी तो मेरे पास में वैल्यू क्या प्लस वन दैट मीन्स टू थाउजेंड प्लस वन टू थाउजेंड वन टू थाउजेंड वन मिलेगा किस पे थम्ब पे है ना बट यहाँ पे तो टू थाउजेंड वन तो आगे चला गया आगे चला गया दैट मीन्स कि हम एक बैक नंबर में लेके चलूँ मैं यहाँ पे लेती हूँ भी मेरे पास में क्या आ गया 2001 थंब के लिए पोजीशन है ना बैक दैट मीन्स कि 8 8 का गैप है अगर हम इससे थोड़ा बैक जाते हैं इसमें से 8 माइनस कर देती हूँ मैं तो 8 माइनस करने के बाद में मेरे पास में वैल्यू क्या आएगी 1993, ओके दैट मीन्स कि 1993 पे मुझे क्या मिल रहा है ये थम की लोकेशन है सभी की सभी 1993 पे थम 94 एंड देन 95 एंड दिस इज व्हाट दिस इज मिडिल फिंगर सो आंसर विल बी ऑप्शन डी मिडिल फिंगर अब देखो यहां पे कैलकुलेशन कितनी थी पहले तो ये चेक करो कैलकुलेशन तो कुछ नहीं थी बट कैलकुलेशन पे बेस्ड एक लॉजिकल क्वेश्चन आया हुआ है है ना तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं 8 टू 10 क्वेश्चंस आप इस तरह के एग्जाम में पाओगे हर बार आते हैं लॉजिकल क्वेश्चन आई विल नोट से कि हाँ यही क्वेश्चन आएगा बट लॉजिकली आपको सोचना है ट्राई टू बिल्ड द लॉजिकल एबिलिटी इन योर सेल्फ ओके तभी सी सेट का पेपर आप कर पाओगे क्वालिफाई डन अब नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे क्या है इन ए फैमिली ईच डॉटर हैज सेम नंबर ऑफ ब्रदर्स ईच डॉटर हैज सेम नंबर ऑफ ब्रदर्स एज सी हैज सिस्टर्स जितनी उसकी बहन है कह रहे हैं उसने ही उसके भाई हैं एंड ईच सन हैजाइस एज मैनी सिस्टर्स एज ही हैज ब्रदर अगर हम सन की बात करें तो सन क्या कह रहे हैं हाँ जी एंड ईच सन हैजाइस एज मैनी सिस्टर एज ही हैज ब्रदर जितने है उसके ब्रदर हैं ना उससे डबल उसके पास क्या है सिस्टर्स हैं हाउ मैनी सन आर देयर इन द फैमिली तो बताओ फैमिली में कितने सन हैं सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है लॉजिकल क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे तो अब देखो कैसे करोगे इसको सोल्व अगर मैं कंसीडर करके चलूँ कि हमारी फैमिली के अंदर जो भी गिवन फैमिली है उस फैमिली के अंदर सन कितने हैं एस है सन कितने हैं हमारे पास में एस है और डॉटर्स कितनी हैं डी है डन अब अगर हम सिस्टर के प्रस्पेक्टिव से देखते हैं दैट मीन्स कि डॉटर है फीमेल है डॉटर है फीमेल है तो फर्स्ट के अंदर उसने क्या कहा ईच डॉटर हैज सेम नंबर ऑफ ब्रदर एज हैज सिस्टर्स ओके दैट ब्रदर कितने जितने भी सन है सारे के सारे उसके ब्रदर है जितने भी सन है आल आर हर ब्रदर ओके okay? तो क्या आएगा हमारे पास में सन जो है ये हो गया दिस इज इक्वल टू वट अगर हम बात करें तो ये क्या कह रहा है उतने ही सिस्टर्स हैं अब वो खुद तो खुद की सिस्टर नहीं होगी दैट मींस कि जितनी डॉटर है उससे एक लेस है सिस्टर इससे एक लेस सिस्टर है तो आप ये कह सकते हो कि कितनी होगी गई सिस्टर तो टोटल डॉटर से उससे वन है लेस ये वाला पॉइंट क्लियर है सभी को हाँ जी बताइए सभी को क्लियर है अब दूसरा जो उसने पॉइंट का है अब अगर हम सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्या कह रहा है ईच सन हैज ट्वाइस एज मैनी कितनी है कह रहे हैं कि ट्वाइस हैं सिस्टर कितनी है ट्वाइस है कितनी जितने ब्रदर हैं अब यहाँ पे देखो जो हमारे पास में डोटर्स हैं है ना क्या है ट्वाइस है किससे जितने की उसके पास में ब्रदर है अब ब्रदर जो बॉय है वो खुद का ब्रदर तो नहीं होगा दैट मीन्स कि यहाँ पे जो ब्रदर्स है वो कितना हो गया जितने टोटल सन है उसमें से वन लेस होगा क्योंकि एक तो वो खुद को कंसिडर कर रहा है तो खुद को कंसिडर कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास में दैट मीन कि जो डॉटर है या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डॉटर है वो किसके इक्वल है जितने भी सन है उससे कम उसने ये कहना जो सिस्टर है डॉटर ऑल द डॉटर्स आर हिज सिस्टर्स तो ये कह रहा है कि जितनी भी सिस्टर्स है वो क्या है डबल है किससे जितने उसके ब्रदर्स है सिंपल अब हमारे पास में ये दो इक्वेशन बन गए एक ये है और एक ये है। अब इसके बेस पे हम सन और डॉटर निकाल सकते हैं कि सन कितने और कितनी है कर लोगे ओके? तो क्या फाइंड आउट करना है आपको सन फाइंड आउट करना है सन फाइंड आउट करना है तो अगर हम इसके अंदर देखें तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी डी इज इक्वल टू एस माइनस वन एस प्लस वन ये क्या हो गया टू एस माइनस टू दैट मीन एस इज इक्वल टू थ्री कितने सन हो गए थ्री सन और अगर यहीं पे कहता है कि डॉटर कितनी है फिर डॉटर कितनी होगी यस डॉटर्स कितनी हो गई सन इज इक्वल टू डॉटर माइनस वन तो डॉटर इज इक्वल टू सन प्लस वन है कितनी होगी फोर बताइए कोई माइनर सा डाउट आ रहा हो इसमें अगर कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन अगर कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे सभी सभी वीडियो को लाइक करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कर देंगे ओके सो नेक्स्ट देखते हैं हम यस नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अभिमन्यु आई एस अभिमन्यू आई एस आप लोगों को एक कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहा है फॉर सी सेट जो भी स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए अभी थ्री डेज का फ्री ट्रायल अवेलेबल है फ्री ट्रायल अवेलेबल है

एक एक सिंगल सिंगल कंसेप्ट हमने इस पे काम किया है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो जो भी स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो थ्री डेज का फ्री ट्रायल है अगर कोई क्यूरी है आपके माइंड में कोई डाउट है कोर्स को लेके या कोई भी क्यूरी है एक नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है आप उस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल कर सकते हो आपकी जो भी सी से रिगार्डिंग क्यूरी है कोर्स से रिगार्डिंग क्यूरी है वो आपकी रिजॉल्व हो जाएगी ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें यस yes. जो भी स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करना चाहते हैं अभी ज्वाइन कर सकते हैं बिकॉज अभी टाइम है मैं अभी सभी जितने भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं सभी को मैं यही कहती हूँ कि एग्जाम जब पास में आता है इन दैट केस बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है सी जी के सब्जेक्ट्स का है ना और हम सी सेट के लिए नहीं कर पाते और स्टार्टिंग में हम ये सोचते हैं कि सी सेट का हम बाद में कर लेंगे सिलेबस कम है बाद में कर लेंगे और वो बाद कभी नहीं आता है ठीक है बट अगर आप डेली वन वन आवर भी डिवोट करते हो सी सेट को तो आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी सी सेट के लिए ओके सो so, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो डेली वन आवर की क्लास होती है वीक के अंदर फोर क्लासेस है सॉरी ठीक है फोर क्लासेस लाइव जा रही हैं जो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं वो क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी एंड फॉर योर डाउट्स विद बिलो ईच लेक्चर देयर इज ए लेटेस्ट डिस्कस कॉलम आप वहां पे अपना डाउट पुट कर सकते हो और वहां से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें यस नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे देखिए क्या है यस नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी गुड क्वेश्चन इज देयर क्या है क्वेश्चन ए बर्ड लवर वाज आस्क्ड हाउ मेनी बर्ड्स ही हैड क्या कह रहा है हाउ मेनी बर्ड्स ही हैड इन द बास्केट ही रिप्लाइड दैट देयर वर ऑल पैरट्स देयर वर ऑल पैरट्स बट सिक्स अब पहले तो आपको इस लाइन का मीनिंग पता होना चाहिए कि यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे जब उसने कहा है कि ऑल पैरट्स बट सिक्स दैट मींस व्हाट सिक्स बर्ड्स वर नोट पैरट जो सिक्स बर्ड्स हैं ये जो सिक्स बर्ड है दीज आर नोट पैरट बट दीज आर दर बर्ड्स ओके जो भी आपके क्वेश्चन में अदर बर्ड्स अवेलेबल है ये वो है ठीक है सेम आगे क्या करें ऑल पीजन बट सिक्स दैट मीन्स वट सिक्स आर अदर ओके सिक्स आर नोट पीजन बट अदरस ऑल आर कॉल बट सिक्स दैट मीन्स की सिक्स आर नॉट कल बट अदर्स ओके अब यहां पर थ्री बर्ड्स की बात हुई है. क्या क्या हो रहा है पैरेट है आपके पास पीजन है और क्या है कोयल है डन अब उसने फर्स्ट लाइन में क्या कहा ऑल पैरेट बट सिक्स दैट मीन्स बट पीजन प्लस कोयल

कोयल को छोड़ के बाकी सिक्स को, को छोड़ के बाकी सिक्स क्या है सभी का हो गया होगा सभी का आंसर आ जाएगा अगर हम सबको एड करते हैं तो मेरे पास में क्या आता है टू पैरेट प्लस पीजन प्लस क्वल टू एटीन अगर मैं इसको इससे डिवाइड करती हूँ तो पैरट प्लस पीजन प्लस सी नाइन करेक्ट आंसर ओके सिंपल आप उसको हिंदी में डिक्टेट कर लो लाइन को सीधा सा बोलो क्या ऑल पैरट्स बट सिक्स इसका मीनिंग यहाँ पे है कि पैरट को छोड़ के बाकी सिक्स हैं ओके सो आई होप सभी को क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं यस नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन क्या है क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास हेमावती हेमावती कट ए केक इनटू टू हाफ्स एंड कट वन हाफ इनटू स्मॉलर पीसेस ऑफ इक्वल साइज ईच ऑफ स्मॉलर पीस इज 15 ग्राम इन वेट इफ सी हैज नाइन पीसेस ऑफ केक इन ऑल विद हर ओरिजिनल तो बताओ कितना है? करेंगे सभी के सभी सभी ट्राई करने की कोशिश करेंगे एक केक है Simple? एक cake है. लॉजिकली समझो क्वेश्चन को केक है सर्कुलर ले लो स्क्वायर ले लो इट डजेंट मैटर ठीक है अब उसने उसके दो टुकड़े कर दिए दो टुकड़े कर दिए हाफ हाफ अब उसके बाद कह रहा है कि एक जो पार्ट है तो बिगर पार्ट हो गया अब एक जो पार्ट है हाफ उसके उसने और छोटे-छोटे टुकड़े कर दिए कितने अब उसने यहाँ पे क्या कहा है कि सी हैज नाइन पीसेस ऑफ केक दैट मींस कि एक तो पीस यही है और ये वाला जो पार्ट है उसने उसके कितने कर दिए नाइन पीसेस कर दिए नाइन पीसेस कर दिए दैट मींस 1 2 3 4 ओके नाइन पीसेस हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट पीसीज ही हो गए अब देखो लॉजिकली कुछ समझ आया कुछ क्लियरिटी बन रही है उसका हाफ पार्ट था हाफ पार्ट के उसने एट पीसीज कर दिए और कह रहा है कि जो स्मॉलर पार्ट है ना वो एक पार्ट कितने का है फिफ्टीन ग्राम का है एक पार्ट जो एक स्मॉल पार्ट है वो कितने ग्राम का है फिफ्टीन ग्राम का और ये कितने हैं एट स्मॉल पार्ट्स कितने के हो into That means 120 ग्राम्स 120 के हैं अब अगर ये पाला पार्ट वन ट्वेंटी ग्राम का है तो दूसरा भी तो वन ट्वेंटी ग्राम का ही होगा दोनों पार्ट्स 120 120 ग्राम्स के होंगे दैट मीन्स बट कि जो टोटल है वो कितना हो गया 120 ग्राम का ये वाला पार्ट येस दिस इज वन ट्वेंटी ग्राम दिस इज वन ट्वेंटी ग्राम मीन्स वन ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी सर आंसर टू फोर्टी ग्राम्स विल बी द करेक्ट आंसर डन कोई माइनर साड आउट इसमें हाँ जी किसी को कोई भी माइनर साड आउट आ रहा हूँ क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर टू एग्जामिनेशन रूम पी एंड क्यू There are two examination rooms P and Q. If 10 students are sent from P to Q, then the number of students in each room is same. Yes, कह रहा है कि अगर P से Q के अंदर हम 10 send कर देते तो, तो इक्वल इक्वल हो जाएंगे इफ 20 कैंडिडेट्स आर sent फ्रॉम Q टू P, अगर Q से P में 20 कैंडिडेट सेंड कर देते हैं देन द नंबर ऑफ students इन P इज डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन Q. तो क्या हो गए डबल हो जाएंगे ओके कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम क्यू इज बताओ रूम क्यू के अंदर कितने ना स्टूडेंट्स हैं देखिए लेट अस से दिस इज पी एंड दिस इज क्यू पी के अंदर मान लेते हैं कि पी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और क्यू के अंदर क्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है सिंपल सी बात है अब यहाँ पे देखो उसने कहा है कि अगर हम 10 students को P से में भेज देते That means कि अगर इसमें P थे, तो इसमें से 10 हमने कर दी। और के अंदर थे, तो तो उसमें 10 बढ़ गए। पहली बारे में उसने यही बात कही है। क्या? कि दोनों रूम के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या बन जाते हैं हो जाते हैं। हाँ जी इसका मीनिंग यहाँ से हमारे पास में एक इक्वेशन निकल के आई है क्या P माइनस क्यू इज इक्वल टू ट्वेंटी ट्वेंटी इधर चला गया अब अगर हम दूसरा पढ़ें तो दूसरा क्या कह रहा है कि इफ ट्वेंटी कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम क्यू टू b क्यू के अंदर क्यू थे अब उसमें से कह रहा है कि ट्वेंटी को सेंड कर दिया हमने अब अगर इसमें से गए तो इसमें आ गए इसमें कितने बन गए p प्लस क्यू ट्वेंटी डन अब उसने आगे क्या कहा देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन पी इज पी इज डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्यू कितने हो गए डबल हो गए पी के अंदर जो है पी इज डबल द स्टूडेंट्स इन द क्यू तो अब यहां से देखो क्या इक्वेशन आपके पास में बन के आ रही है दैट मीन्स कि पी प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू टू क्यों माइनस फोर्टी ओके अगर हम आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आ रही है पी माइनस क्यों इधर आ गया टू क्यों इज इक्वल टू माइनस सिक्सटी क्या आ गया आपके पास माइनस सिक्सटी आप इन दोनों को सोल्व करो जब आप इसको सोल्व करते हो तो क्या करना पड़ेगा माइनस प्लस प्लस कैंसिल आउट हो गया क्यों की वैल्यू क्या आ गया, आ गया आपके पास एट्टी क्यों की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई एटी देन तो अगर हमारे पास क्यों की वैल्यू है एटी तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी P will विल equal इक्वल टू हंड्रेड क्वेश्चन यहां पे क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्यों क्या कहेंगे हम एटी स्टूडेंट्स आर इन रूम क्यों क्लियर सभी को कोई डाउट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें बिल्कुल आराम से स्लोली स्लोली करवा रही हूँ आप लोगों को सो दैट कि क्लियरिटी आए आपको अच्छे से समझ आ जाए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है कह रहा खुशी वोट द बैंगल्स ऑफ इक्वल नंबर ऑफ थर्टी फोर पीसिस इक्वल नंबर देखो यहां पे क्या कहा है उसने इक्वल नंबर ऑफ बैंगल्स ऑफ रुपीज थर्टी फोर पर पीस रुपीज फोर्टी टू पर पीस रुपीज सिक्स पर पीस सिस पेंट टोटल ट्वेंटी टू ऑन ऑल ऑफ द बैंगल्स हाउ मैनी बैंगल्स डिड शी बाई ईच टाइप वेरी इजी क्वेश्चन इज देयर यस काफी इजी क्वेश्चन है थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सभी के सभी सारे के सारे सेम नंबर ऑफ बैंगल्स उसने परचेज एक बैंगल का प्राइस कितना कि आपके पास दिस इज थर्टी फोर एन यहाँ पे क्या कह रहा है वन बैंगल का प्राइस कितना है दिस इज फोर्टी टू रुपीज एन बैंगल्स का प्राइस कितना हो गया यहाँ पे क्या है सिक्स रुपीज तो एन बैंगल्स का कितना प्राइस हो गया सिक्स एन और ये क्या कह रहा है सारा टोटल कितना है सेवनटीन ट्वेंटी टू ओके सोल्व करो क्या हो गया दिस इज फोर्टी फोर्टी तो यही होगा फोर्टी एट्टी एट्टी टू एन एट्टी टू एन इज इक्वल टू वट सेवन वन टू टू एन की वैल्यू क्या आ गया आपके पास में दिस इज टू एन वन ट्वेंटी वन और हमें फाइंड आउट क्या करना है हाउ मैनी बैंगल्स है ना ऑफ ईच टाइप ईच टाइप की कितनी है ट्वेंटी वन बैंगल्स और अगर यहीं पे अपने पास क्वेश्चन होता है कि टोटल कितनी बैंगल्स परचेज किए टोटल नंबर ऑफ बैंगल्स परचेज तो उसके इसमें हम क्या कहते हैं ट्वेंटी वन ये ट्वेंटी वन ये वाली ट्वेंटी वन ये वाली ट्वेंटी वन ये वाली कितनी टोटल बैंगल्स सिक्सटी थ्री बैंगल्स अब देखो इतने में ही क्वेश्चन चेंज हो जाता है इतने में ही क्वेश्चन आपका चेंज हो जाता है अगर यहाँ पे होता है टोटल नंबर ऑफ बैंगल्स आर सिक्सटी थ्री नंबर ऑफ बैंगल्स ऑफ ईच टाइप 21, ओके यस नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा टू बस टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू बी एंड थ्री बस टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू सी कॉस्ट सेवेंटी सेवन रुपीज बट थ्री टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू बी एंड टू टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू सी कॉस्ट 73, थ्री बट आर द फेयर ऑफ सिटी बी एंड सी फ्रॉम ए यस ए से कितना होगा अब देखो यहाँ पे अगर हमारे पास में दो तीन सिटी तीन थी, सिटी की मैंने ए टू बी अगर मैं कि भी एक्स रुपीज लगते हैं ठीक है और ए टू सी हम कहते हैं कि वाई रुपीज लगते हैं सिंपल सी बात है अब उसने यहाँ पे क्या कहा कि ए टू बस टिकट्स ऑफ ए टू बी तो टू का प्राइस कितना हो गया टू एक्स एंड थ्री टिकट्स फ्रॉम ए टू सी दैट मीन्स की थ्री वाई एंड दिस इज सेवन इक्वल टू वट This is 77, okay? और दूसरे स्टेटमेंट में उसने क्या कहा थ्री टिकट फ्रॉम सिटी ए टू बी एंड टू टिकट सेवन थ्री टू इक्वेश डायरेक्टली सोल्व कर लेंगे सोल्व कर लोगे एक तो देखो सोल्व भी डायरेक्टली करना सीखो ऐसा नहीं है कि हांजी पहले इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर लो इसको टू से मल्टीप्लाई कर लो टाइम लगेगा बट अगर ऐसे इजी लगता है तो ऐसे कर लो जस्ट हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स और वाई की ओके? Okay? एक, तो एक दूसरा कर सकते वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इन दोनों को करेंगे कितना आ गया ये आपके पास में हाँ जी ये हो गया नाइन सात इक्कीस माइनस इसके हो गया सात दो चौदह चौदह डिवाइडेड बाई अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 कितना आ गया ये हो गया आपके पास में फाइव सिक्स फाइव फाइव डेट मींस थर्टीन ओके अब सेम पे वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसको कवर किया हमने इसको देखो हाँ जी इसको कवर किया इसको देखेंगे कितना आ गया सत्य इक्कीस सात्य इक्कीस और दो तेईस प्लस अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे टू के साथ इसको मल्टीप्लाई किया कितना आ गया सिक्स एंड वन फोर्टी टू एंड इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो फाइव ही है तो डिवाइडेड बाई फाइव ओके सॉल्व करेंगे कितनी वैल्यू आ गई माइनस yes, करेंगे इसको जब ये क्रॉस वाला फॉर्मूला यूज करते तो दोनों के अंदर यहां पे माइनस वैल्यू आएगी कितना आ गया यस दिस इज फाइव एंड ये हो गया आपके पास में बारह से आठ मीन सेवनटीन ओके कितना आ गया यस थर्टीन एंड सेवनटीन रुपीज ये क्या था उसने क्या कहा वट आर द फेयर्स ऑफ सिटी बी एंड सी फ्रॉम ए दैट मीन्स ए टू बी एंड ए टू सी हां जी बताइएगा कोई डाउट क्लियर तो अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आते हैं कर लेंगे सभी आई होप सभी कर लेंगे अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आता बट प्रैक्टिस इज मस्ट प्रैक्टिस इज मस्ट अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो माइक्रो कोर्सेज में जाके आप प्रैक्टिस क्वेश्चन वहाँ से उठा सकते हो ठीक है माइक्रो कोर्सेज में जब आप जाओगे डिस्क्रिप्शन में माइक्रो कोर्सेज का लिंक भी अवेलेबल है वहाँ से आप सिर्फ अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन ले सकते हो अगर आपको आप कहते हो कि नहीं वीडियो लेक्चर्स भी चाहिए वीडियो लेक्चर्स ले सकते हो तो एक बार माइक्रो कोर्सेज से आप वहाँ से चेक कर सकते हो बिकॉज प्रैक्टिस तो जरूरी है है ना नेक्स्ट देखिएगा क्या अनू हैड ए टोटल ऑफ थ्री ट्वेंटी इन डिनोमिनेशन

एन रुपीज बन गए ठीक है अब मेरे पास में फाइव रुपी कॉइन है कितने एन उसने कहान है number of coins है, तो अगर N coins है, तो अगर कितने हो गए? और अगर मेरे पास रुपी के है, और वो कितने हैं एन तो दीन्स कि कितना हो गया टेन एन और क्या कह रहा है ये? टोटल मनी इज थ्री ट्वेंटी रुपीज दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू वट थ्री ट्वेंटी एन इज इक्वल टू थ्री ट्वेंटी सो एन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास ट्वेंटी एन की वैल्यू क्या आ गई ट्वेंटी के ट्वेंटी एंड ट्वेंटी कॉइन्स ऑफ टेन रुपीज दैट मीन्स की टोटल नंबर ऑफ कॉन्स कितने हो गए सर आंसर विल बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी सिक्सटी विल बी द करेक्ट आंसर हाँ जी कोई भी माइनर सा डाउट किसी को कोई भी माइनर सा डाउट क्लियर है ओके सो स्टूडेंट्स आई थिंक जो भी आज मैंने आप लोगों को क्वेश्चन हैं सभी को क्लियर होंगे फिर भी अगर कोई डाउट आता है कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन अगर लगता है कि वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू इन दैट केस सभी वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में सभी ने अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहता है उसको ज्वाइन कर सकता है बिकॉज एवरी डे एक सिंगल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सी सेट हम क्वेश्चन ऑफ़ द डे उसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करें तो आप वहाँ से प्रैक्टिस भी एक आपकी हो जाएगी आपको एक तरह से इंपॉर्टेंट uh, क्वेश्चन मिल जाएंगे है ना तो डेली एक क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं सभी तो जो भी स्टूडेंट्स उसको ज्वाइन करना चाहता है उसको ज्वाइन कर सकते हैं ओके सो इट वॉज़ ऑल फॉर टूडे थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में